हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 14 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, सीना 11 इंच एंड कमर के लिए 10.5 इंच रखा है। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखी हमने यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाया है। नीचे के साइड से गले की चौड़ाई रखी हमने यहाँ पर 3 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को हमें कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। अब इसी के नीचे एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। चौड़ाई के लिए हमने यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाया है। इसे हम कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे। कुछ इस तरीके से हमने गले की मार्किंग की है और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग ली हुई है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम अस्तर रखेंगे और एज ए टेस गले की मार्किंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी इसकी कटिंग कर लेंगे हमने जो मार्किंग की है। बाहर के साइड से हमें पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा कट कर लेना है। इसे ओपन करेंगे, सबसे पहले अस्तर रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और इसे आयरन से चिपका लेना है। तो हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अस्तर के ऊपर चिपका लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखकर पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब हमें गले में सिलाई लगानी है। सिलाई हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। नीचे की तरफ ये जो कॉर्नर से है इन्हें हम अच्छे से सेट कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। सिलाई लगाने के बाद अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम गले में छोटे छोटे से कट लगाएंगे और अस्तर को अब हमें अंदर की तरफ पलट देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ पर भी सिलाई हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है। तो ये कुछ इस तरीके से गला बन के रेडी है। इसके बाद हम इसमें बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। इसके बाद कमर पट्टी लगाएंगे इसमें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये 1.5 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी कट करके ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साइड से सिलाई करेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटना है। दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी कमर पट्टी बन के रेडी हो गई है। इसे साइड में करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 4x4 इंच के 2 फैब्रिक के टुकड़े कट करके लिए हैं। इन्हें कुछ इस तरीके से हम ट्रायंगल का शेप देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे।
अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करके रखना है और इसे सिलाई लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हमें बीड्स को लगा रहे हैं मीडियम साइज के, और इस मोती को भी हमें अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है इसके ऊपर। देखिए ये कुछ इस तरीके से रेडी है। ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज के नीचे की साइड हमने जो डिजाइन कट करके ली थी, इसके नीचे हमें ट्रायंगल्स को कुछ इस तरीके से सेट करते हुए रखना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। आप चाहें तो ट्रायंगल्स को अभी सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर की साइड से लेस लगाती हुई आऊँगी और लेस के साथ ही ट्रायंगल्स को अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे। तो लेस को हमने यहाँ पर गले के पास थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए लगाया है कपड़े पर, बिल्कुल गले के किनारे से नहीं लगाया है हमने लेस को। देखिए कुछ इस तरीके से हम गले के किनारे लेस को अटैच कर लेंगे। कॉर्नर के पास हमें लेस को बिल्कुल हल्का सा पलट देना है तो लेस अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम गले में लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे। लेस के ऊपर हमने एक सिलाई लगाई है, एक सिलाई और लगा लेंगे। इसके बाद ये जो बीच में खुला हुआ है यहाँ पर हम दो से तीन मोती अटैच कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें दो तीन बार सुई धागा डाल के अच्छे से मोती को अटैच कर देना है ताकि ये निकले ना जल्दी से। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डोरी में ये फैब्रिक के लटकन लगाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम ऊपर के साइड से 3 इंच छोड़ते हुए डोरी को अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लाउज नेक बनके रेडी होता है, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।